चाचा शरद पवार ने दिया अपने भतीजे अजीत पवार को वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट। एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार चौथी बार बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। लेकिन शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि आज अजीत पवार की शादी की सालगिरह भी है, और इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में इसे चाचा का अपने भतीजे को वेडिंग एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी साल नवंबर के महीने में 80 घंटों तक तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अजीत अनंतराव पवार उप मुख्यमंत्री। और इसी के साथ एनसीपी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने राजनीति में वो गाथा लिख दी जो शायद कोई कभी भूल नहीं पाएगा। पवार गांभीर्यपूर्वक दृढ़ कथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। इसी के साथ एक बार फिर से शरद पवार ने यह साबित कर दिया कि राजनीति में उनकी थाह ले पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। राजनीति में शरद पवार कब और क्या फैसला करेंगे इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ वही लगा सकते हैं। इसलिए तमाम कयासों के बावजूद अजीत पवार के धोखा देकर बीजेपी के कैंप में चले जाने के बावजूद शरद पवार न केवल अपने भतीजे को वापस लेकर आए बल्कि उन्हें गठबंधन की सरकार में फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिया।